आप सभी का स्वागत है मार्केट पी पे और ये हमारी शेयर एनालिसिस सीरीज़ की एक नई वीडियो। देखिए, इस सीरीज़ में मैं आपके लिए शेयर्स चुन के लाता हूँ, उनका एनालिसिस करता हूँ, उन्हें बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ ताकि बिगनर्स भी समझ सके और इन्वेस्ट कर सके। देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस मेंटेलिटी, कितने टाइम के लिए और किस हिसाब से करना चाहिए। तो आप करें मेरे चैनल मार्केट बी को सब्सक्राइब, बगल में घंटी होगी वो दबाएं और मैं करता हूँ इस शेयर का एनालिसिस शुरू। तो आज का जो हमारा शेयर है वो है बर्गर किंग। देखिए, आप में से हर एक ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा क्योंकि इसकी चेन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ऑल ओवर इंडिया फैलती जा रही है, और जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि शेयर मार्केट में मौजूद हैं, उन्हें पता होगा कि इसका हाल फिलहाल में एक IPO आया है। देखिए, अगर मैं इजी करके आपको IPO समझाऊं, तो ये फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है तो उसका IPO होता है, उसके बाद से उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो देखिए, इसका 800 करोड़ का IPO आया है, और इन्होंने IPO क्यों लाए हैं, क्योंकि देखिए जब से ये इंडिया में आए हैं काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं, बहुत जगह अपने आउटलेट्स खोल रहे हैं, लेकिन ये अभी भी सिर्फ बड़े शहरों में ही मौजूदगी दर्ज कर पाए हैं। तो इनका प्लान है कि अब जो मीडियम साइज शहर हैं या फिर छोटे शहर हैं उनमें भी ये जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आउटलेट खोलें, अपना एक कस्टमर बेस बढ़ाएं। देखिए, अगर मैं आपको बर्गर किंग के बारे में बताऊं तो एक फ़ास्ट फूड चेन है, आप सबको पता होगा, आप में से ज़्यादातर ने इसका खाया भी होगा बर्गर। तो देखिए, ये अमेरिका की ओरिजिनली कंपनी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई है, एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है इसका, और जहाँ भी गए हैं काफ़ी सक्सेस रहे हैं, और इन्हें कहा जाता है कि एक बेटर बर्गर प्रोवाइड कराते हैं मैकडोनल्ड से। तो इसीलिए जो इनका कस्टमर बेस है वो तेज़ी से ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रहा है, और जब से इंडिया में आए हैं इनका क्रेज़ काफ़ी अच्छा रहा है। और अगर आप देखें शेयर मार्केट में तो इनका एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला इनके IPO को, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लोगों ने ख़रीदा है और लगभग डबल पैसा हुआ है लोगों का। तो इसी से पता चलता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट था लोगों में, लोग इसको ख़रीदना चाह रहे हैं। और अगर आपने इसका कभी बर्गर खाया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा था और ये फास्ट फूड चेन की सर्विसेज आपको कैसी लगी। तो अब देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसका मार्केट कैप, जो कि है 4,890 करोड़ का। देखिए, आज ही ये कंपनी लिस्ट हुई है तो जाहिर सी बात है छोटा होगा इसका मार्केट कैप, और फ्यूचर में ये ग्रो करेगा 100%। देखिए, आज ये कंपनी आई है, धीरे धीरे इसमें रुझान बढ़ेगा, लोगों का इन्वेस्ट करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा, प्लस कंपनी एक्सपेंड तो कर ही रही है, तो उस वजह से इसका जो मार्केट कैप है वो पक्का बढ़ेगा और उसका ही आपको रिटर्न मिलेगा। देखिए, उसके बाद देखिए इसका PE रेशो, तो ये है 0। देखिए, जो कि ऑलरेडी शेयर मार्केट में है वो तो समझ जाते हैं कि 0 किस वजह से है, लेकिन जो बिगनर्स हैं अगर वो सोच रहे हैं कि क्योंकि इसका PE रेशो 0 है तो शायद ये बुरी कंपनी है, ख़राब कंपनी है, 0 कंपनी है, देखिए ऐसा नहीं है। ये 0 क्यों है, जब हम इसके फाइनेंशियल्स पे जाएंगे, इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये 0 क्यों है, क्योंकि फाइनेंशियल्स के साथ अगर मैं आपको समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा और ईजी रहेगा। उसके बाद देखते हैं डिविडेंड यील्ड। देखिए, कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, अभी अभी शेयर मार्केट में आए हैं, तो डिविडेंड यील्ड का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर देखा जाए इस तरह की कंपनियों का जो कि मार्केट में आती हैं, तो फ्यूचर में उनका डिविडेंड बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद देखते हैं इसका कैश। देखिए, इसके पास है 28 करोड़ का कैश, और उसके बाद देखिए डेब्ट 229.72 करोड़ का डेब्ट है। देखिए, इन्होंने आज अभी जो IPO लाए हैं उसमें 800 करोड़ का वो IPO, तो अगर 800 करोड़ के हिसाब से देखें तो 229 कुछ वैल्यू नहीं रखता है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी स्ट्रेटजी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, नए नए आउटलेट्स खोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कस्टमर बेस बढ़ाएंगे, इसलिए इनकी ये तैयारी चल रही है, जो IPO भी लाए हैं या फिर ये जो डेप्ट भी है, ये एक्सपेंशन की वजह से, ये एक्सपेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने नए आउटलेट्स खोल रहे हैं, तो इसीलिए ये कंपनी इतना डेप्ट आपको दिख रहा है। लेकिन आने वाले साल में जब इस कंपनी का अच्छा खासा एक कस्टमर बेस बन जाएगा, एक अच्छा खासा आउटलेट्स खुल जाएंगे पूरे इंडिया में, तब ये आपको डेप्थ एक कम होता हुआ दिखेगा। देखिए, इसके बाद देखते हैं इसकी सेल्स ग्रोथ, जो कि है 32.95%। देखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और मैंने आपको बताया ये कि
इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये काफ़ी एग्रेसिव है इस चीज़ में अपने एडवर्टाइजमेंट को लेके, अपने एक्सपेंशन को लेके। तो ये सेल्स ग्रोथ आपको हाल फिलहाल में आगे इसी तेज़ी से बढ़ती दिखेगी और शायद फ्यूचर में इससे ज़्यादा तेज़ी से भी बढ़े। तो अब देख लेते हैं इसके कुछ चार्ट जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ। देखिए सबसे पहले वही सेल्स ग्रोथ, देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है सेल्स ग्रोथ, एक बहुत ही अच्छी सेल्स ग्रोथ है अगर आप इसकी देखें। और अगर आप देखें प्रॉफिट ग्रोथ तो अप एंड डाउन्स हैं, लेकिन आपको पता है, मैंने आपको बताया इस वीडियो में बार बार बता रहा हूँ कि इस वक्त इनका सिर्फ एक एम है कि खुद को एक्सपेंड करना है, नए नए आउटलेट्स खोलने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस बढ़ाना है। तो इस वक्त प्रॉफिट को लेके इनका इतना ज़्यादा सोच नहीं है। एक बार जब इनका एक अच्छा खासा कस्टमर बेस हो जाएगा, ये ऑल ओवर इंडिया इनकी प्रेजेंस हो जाएगी, तभी उस चीज़ के बारे में सोचेंगे। अब इसके बाद देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी 0.85 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद देखिए प्राइस टू कैश फ्लो हल्का हाई है, पर अगर देखें कंपनी के हिसाब से तो ये ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा हाई नहीं है। तो अब आ जाते हैं कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पे जो कि है उसके फाइनेंशियल्स। देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे होंगे तो कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी ही करेगी। तो आइए करते हैं इसका फाइनेंशियल एनालिसिस। देखिए सबसे पहले देखते हैं इसकी नेट सेल्स जो कि 2017 में थी 229.95 करोड़, जो कि 2020 में हो चुकी है 841 करोड़। देखिए लगभग 4 times हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेंड कर रहे हैं और ये उसी की वजह से आपको सेल्स दिख रही है, नए आउटलेट्स खुलेंगे, नया कस्टमर बेस बनेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकेंगे। जो IPO लाए हैं वो भी इसी चीज़ के लिए लाए हैं। अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर जो कि 2017 में था 233 करोड़, वो ही बढ़ के हो चुका है 2020 में 737 करोड़। और देखिए अगर आप देखें इसका तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2020 में 104 करोड़ का है। आपको मैं आसान भाषा में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताऊं तो ये होता है कि आपने समझ लिए 100 रुपये के सामान बेचा, उसमें से आपका जो खर्चा आया वो आया 80 रुपये का, जो 20 रुपये है वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। वैसे ही इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस वक्त है 104 करोड़ का 2020 में। देखिए वीडियो में मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस वक्त ये प्रॉफिट के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, इस वक्त इनका एक ही एम है जो कि है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा आउटलेट्स खोलना। और इसलिए इनका अगर आप देखें नेट प्रॉफिट तो वो -76.57 करोड़ है। देखिए क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा ला रहे हैं और नए आउटलेट्स खोलने में और हर चीज़ पे खर्चा कर रहे हैं, तो इस वजह से जो उनका नेट प्रॉफिट है हर चीज़ के बाद वो माइनस में है। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि इसका पीई रेशो 0 है, और मैं इस वक्त आपको समझाऊंगा कि वो क्यों है। देखिए पीई रेशो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब देखिए अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखें तो वो है -76.57, तो नेगेटिव में है। अब आप अर्निंग को नेगेटिव में ना लेके उसे ज़ीरो लेंगे तो इसी वजह से पीई रेशो 0 है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये कंपनी एक वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी बन जाएगी, अच्छा खासा एक कस्टमर बेस इनका बन जाएगा, तब ये आपको पीई रेशो 0 नहीं दिखेगा, इनका नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और देखिए ये कंपनी अभी अभी शेयर मार्केट में आई है तो सबसे बेस्ट टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो आपने देखा होगा कि ऐसे कई सारे पोस्ट आते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा कि इस वक्त अगर आपने विप्रो में लगाया होता, ITC में लगाया होता इतना इतना पैसा उस टाइम पे, तो आपके पास आज इतने करोड़ रुपए होते, ये सब होता। पर देखिए वो टाइम था 1980 1970 का, हम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, पर ये टाइम हमारा है, हम इस टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये एक मौका है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आपकी आने वाली जनरेशन, आपका बेटा या पोता देखेगा ऐसी चीज़ कि अगर आपने उस वक्त बर्गर किंग में इतने इन्वेस्ट किए होते तो वो आज के टाइम पे इतने इतने करोड़ हो चुके होते, तो वो भी यही सोचेगा कि उस वक्त हम पैदा नहीं हुए थे, अब हम क्या करें। तो देखिए कंटिन्यू साइकिल है, आपको एक अच्छी कंपनी ढूंढनी होती है, उसमें इन्वेस्ट करना होता है, और वैसी ही एक कंपनी है बर्गर किंग। तो मैं कहूँगा कि आप इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करें,
और फिर छोड़ दें, 10-20-30 सालों के लिए उसे छोड़ दें, वो अपने आप ग्रो करेगा, बढ़ेगा और उस हिसाब से आपको एक अच्छा रिटर्न फ्यूचर में मिलेगा। देखिए कई सारे ऐसे होते हैं जिन्हें की बहुत अच्छी नॉलेज है शेयर मार्केट की, जो कि प्रेजेंट है शेयर मार्केट में, तो वो तो बहुत सारे शेयरों को जानते हैं, वहाँ से पैसे निकाल लेंगे। लेकिन आप एक बिगनर हैं, आपको कुछ खास ज़्यादा पता नहीं है, प्लस मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि आप बिगनर की वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ और काम करते होंगे, कोई जॉब हो गई या फिर कोई और आपका बिजनेस हो गया, आप टाइम नहीं दे सकते हैं शेयर मार्केट को, क्योंकि 9 to 3 ही शेयर मार्केट का टाइम है और उसी टाइम पे आपको अपना जॉब वॉब भी करनी है। तो आप ऐसे शेयर को ज़रूर चुनें जिसमें आप एक बार डाल के छोड़ दें और फ्यूचर में वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो बर्गर किंग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेयर है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, और उसे छोड़ देना चाहिए खुद ब खुद इंक्रीज़ होने के लिए। देखिए मेरी पिछली वीडियोस पर 90% लोग व्यूज़ तो दे रहे हैं, वीडियो पूरी देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं। देखिए आपको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो मुझे वापस देना चाहिए, मैं आपके लिए इतने ईजी शेयर करके समझाता हूँ, इतने अच्छे शेयर्स लेके आता हूँ, तो थोड़ा तो रिटर्न आपको भी मुझे देना चाहिए। मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ईजिली शेयर समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, लाइक कमेंट्स छोड़ के जाएं, थोड़ा सा अपना सपोर्ट मुझे भी दिखाएं। और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ऐसे ऐसे शेयर हैं, ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं।